स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड, वी आर बैक नाउ। अब हम वापस चले आ गए हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश अपना है और सब्जेक्ट इंग्लिश का आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। रिप वैन विंकल हैज़ लॉस्ट हिज वे। अब रिप वैन विंकल का देखिए पिक्चर बना है, ये अपना रास्ता खो गए हैं, यानी इन्होंने रास्ता भूल गए हैं। हेल्प हिम रीच हिज वे, आपको मदद करना है कि अपने घर के रास्ते पहुँच जाए। तो देखिए ये एक पज़ल है, जैसे आप लोग को खेलना बहुत पसंद होता है उसी तरह से ये देखिए ये इनका घर है। तो चलिए स्टार्ट करें स्टोरी। चलिए आप सब ध्यान से सुनेंगे। वन डे रिप वैन विंकल फेल एस्लीप एंड व्हेन ही वोक अप ही हैड बिकम एन ओल्ड मैन। एक बार ऐसा हुआ कि रिप वैन विंकल जब सोए थे और जब वो सोकर उठे नींद से, तो फिर उन्होंने अपने आप को एक ओल्ड मैन पाया, यानी अब वो बूढ़े व्यक्ति बन चुके थे। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ। अब यही हम रीड करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। रिप वैन विंकल वॉज ए लेज़ी मैन। रिप वैन विंकल कैसे थे? आलसी इंसान थे। ही स्लेप्ट द होल डे, वो पूरे दिन सोते ही रहते थे। हिज वाइफ ट्राइड हर बेस्ट टू गेट रिप वैन विंकल टेक अप ए जॉब। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत उनको कोशिश किया करती थी कि तुम उठो और इतना आलस मत करो, जाओ कोई नौकरी करो, कोई जॉब करो। व्हेन ही डिड गेट अ जॉब ही वॉज आस्क्ड टू लीव बिकॉज ही स्लेप्ट टू मच। अब जब उन्होंने कहीं जॉब ढूंढ भी लिया और वो जॉब पे जाने लग गए, तो जॉब से उनको निकाल दिया गया ये बोलकर कि वो जॉब पर सोते रहते हैं। वन डे रिप वैन विंकल टायर्ड ऑफ हिज वाइफ टेलिंग हिम टू गेट ए जॉब रैन अप अ माउंटेन विथ हिज फेवरेट कंपेनियन हिज डॉग। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें बार बार बोलती थी कि काम करो, जॉब करो, जॉब करो। इसलिए वो उस चीज़ से थक गए थे और वो पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए कि पहाड़ियों पर जाकर बस जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वो अकेले नहीं गए, उन्होंने अपने फेवरेट कंपेनियन यानी अपने जोड़ीदार, अपने साथी, अपने डॉग को साथ ले लिया था। ही रेज द टॉप क्रॉस द स्ट्रीम वेंट टू अ स्पॉट वेयर नोबडी एवर केम एंड ही सेट डाउन देयर। अब वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कोई आता नहीं था, झील झरनों को क्रॉस करते हुए ऐसी जगह पहुंच गए आखिर में जहां पर वो बैठ गए और उन्होंने आजू बाजू में देखा कि वहां पे और कोई भी नहीं था या और कोई वहां आता जाता नहीं था। ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ। अब इससे पहले लाइफ में उन्होंने कभी भी इतनी मेहनत या इतनी एक्सरसाइज कभी नहीं की थी। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज की थी? चलने की, पहाड़ों पर चढ़ने की, झील झरनों से गुजरते हुए जाने की। तो ही वॉज गेटिंग बैक हिज ब्रीथ व्हेन ही हर्ड समवन कॉल हिज नेम। रिप वैन विंकल स्ट्रेंज नोबडी नोज मी हियर। अब इतने में क्या होता है, जैसे वो बैठते हैं और लंबी सी एक सांस खींचते हैं कि वो थक गए थे, उतने में कोई उनका नाम पुकारता है रिप वैन विंकल। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ अजीब, यहाँ पे मेरा नाम कौन जानता है, यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो मेरा नाम किसने पुकारा। थॉट रिप वैन विंकल। अब वो सोच में पड़ गए कि मेरा नाम किसने पुकारा है। ही टर्न्ड। अब वो टर्न होते हैं, टर्न होकर उन्होंने क्या देखा वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं।